गुड मॉर्निंग बच्चों बच्चों, आज मैं आप लोगों को ईवीएस का 12th चैप्टर यानी वाटर फॉर ऑल पढ़ाने जा रही हूँ। वाटर का मतलब होता है पानी, आप सभी जानते हो। फॉर ऑल यानी सभी के लिए पानी। तो चलिए देखते हैं किस लेसन में क्या बताया गया है। सभी के लिए पानी यानी वाटर फॉर ऑल। लिविंग थिंग्स कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वे सभी बिना पानी के सर्वाइव नहीं कर सकते, जीवित नहीं रह सकते। मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर। अर्थ के अधिकतर पार्ट पानी से ढका हुआ है। दैट इज वाई अर्थ इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट, जिसको कि हम यानी कि अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहते हैं। देयर कैन बी नो लाइफ विदाउट वाटर, जहाँ कि बिना पानी के कोई भी जीवन संभव नहीं है। वी नीड वाटर फॉर ऑलमोस्ट ऑल आवर एक्टिविटीज लाइक ड्रिंकिंग, बाथिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग एंड कुकिंग। पानी जो है हम लोगों को हर तरह से आवश्यकता होती है, जैसे कि स्नान करने के लिए, कपड़ा धोने या बर्तन साफ़ करने के लिए, भोजन बनाने के लिए या फिर और भी अदर कार्यों में वाटर की आवश्यकता होती है। वाटर हेल्प्स अस टू डाइजेस्ट फूड। वाटर जो है हमें हमारे भोजन को पचाने में भी सहायता करता है। इट मेंटेन्स आवर बॉडी टेम्परेचर। वाटर जो है हमारे शरीर के टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन द एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी। यह जो है हमारे शरीर के वेस्ट को बाहर निकालने में भी सहयोग करता है। जैसे आप इसको इस तरह से समझ सकते हो, जब आपके गर्मी के दिनों में आपके शरीर से पसीना निकलता है तो पसीना के द्वारा वेस्ट मटेरियल भी बाहर निकलते हैं जो शरीर को नहीं चाहिए होता है। सोर्सेस ऑफ वाटर। रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ। रेन जो है धरती पर वाटर के यानी पानी के मेन सोर्स हैं। रेन वाटर गेट्स कलेक्टेड इन लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स, स्प्रिंग्स, सीज एंड ओशियन। रेन वाटर जो है लेक, पॉन्ड, रिवर्स, स्प्रिंग, सी, ओशियन में कलेक्ट होते हैं यानी जमा होते हैं। ड्यूरिंग समर स्नो मेल्ट्स ऑन द माउंटेन्स एंड वाटर रशेज डाउन टू फॉर्म रिवर्स। गर्मी के समय में माउंटेन पर जो स्नो होते हैं, बर्फ होता है, वह पिघलने लगता है और पिघल कर नदी में पानी बहते रहता है। सम ऑफ द रेन वाटर सीव्स अंडर द ग्राउंड। कुछ वाटर धरती के अंदर सोख लिया जाता है यानी धरती के अंदर चला जाता है, और दिस इज कॉल्ड अंडरग्राउंड वाटर, और उसको हम लोग अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं। दिस वाटर इज टेकन आउट बाय डिगिंग वेल्स, ट्यूब वेल्स एंड हैंड पम्प्स। यह वाटर यानी कि अंडरग्राउंड वाटर को हम लोग कुआं खोदकर या ट्यूबवेल, हैंड पम्प्स के द्वारा हम बाहर निकालते हैं। इन सिटीज वाटर इज कलेक्टेड फ्रॉम लेक्स एंड रिवर्स एंड सेंट टू वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स वेयर इट इज क्लीन्ड एंड सप्लाइड थ्रू आउट द सिटीज थ्रू पाइप्स। शहरों में
पानी लेक और रिवर के द्वारा कलेक्ट किया जाता है, यानी कि तालाब और नदियों के द्वारा पानी कलेक्ट किया जाता है और वह पानी जो है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में भेजा जाता है, जहाँ की पानी साफ किया जाता है और शहर के प्रत्येक घरों में पानी सप्लाई किया जाता है पाइप के द्वारा। यहाँ देखिए, यहाँ रेन वाटर है, ये लेक, पॉन्ड, रिवर, स्प्रिंग, सीज, ओशियन है, डिफरेंट सोर्सेस ऑफ वाटर, ये जो है वाटर के अलग अलग स्रोत हैं। स्टोरेज ऑफ वाटर है, इन सिटीज एंड टाउन्स वाटर इज स्टोर्ड इन कंटेनर्स मेड अप ऑफ मेटल, स्टील, एल्यूमिनियम और प्लास्टिक। शहरों में जो वाटर हैं वह कंटेनर्स में, इस तरह के कंटेनर्स में स्टोर किए जाते हैं और ये कंटेनर्स जो हैं मेटल के बने होते हैं, और ये मेटल हैं स्टील, एल्यूमिनियम या फिर प्लास्टिक, और कुछ बर्तन अर्थन पॉटन भी होता है, यानी मिट्टी के, जैसे ये जो है मिट्टी का है और ये कॉपर ब्रास पॉट है, यानी कि मेटल का बना हुआ है, और इन बर्तनों में वाटर को कलेक्ट किया जाता है। इन मोस्ट विलेजेस पीपल स्टोर वाटर इन अर्थन पॉट एंड इन कंटेनर्स मेड अप ऑफ कॉपर ब्रास, और अधिकतर जो गांव हैं, गांव के लोग पानी को अर्थन पॉट में, ये अर्थन पॉट है यानी मिट्टी के बर्तन में पानी कलेक्ट करते हैं, या फिर कॉपर ब्रास का बना हुआ बर्तन में, यानी ये इन बर्तनों का यूज़ गांव के लोग अक्सर करते हैं। इन व्हाट टाइप ऑफ अ कंटेनर इज वाटर स्टोर्ड इन योर हाउस, आपके घरों में किस प्रकार के कंटेनर्स में वाटर को स्टोर किया जाता है, आप कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर बता सकते हो। सेफ हैंडलिंग ऑफ वाटर, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू स्टोर एंड हैंडल ड्रिंकिंग वाटर प्रॉपरली सो दैट इट डज नॉट बिकम डर्टी। यह बहुत आवश्यक है कि जो पानी स्टोर रहता है उसमें से हम पानी जब निकालें तो हैंडल वाले बर्तन से ही पानी को हम निकालें और उसे हाथ उसमें न डुबाएं जिससे कि वह गंदा हो जाए। हियर आर सम वेज टू डू सो, यहाँ पे कुछ वे हैं जिसको कि आपको करना चाहिए। स्टोर वाटर इन क्लीन कंटेनर्स, हमें हमेशा वाटर को साफ कंटेनर में स्टोर करना चाहिए, जमा करना चाहिए। कीप द कंटेनर्स कवर्ड, कंटेनर्स को हमेशा ढक कर रखना चाहिए। क्लीन द कंटेनर्स एवरी डे, प्रत्येक दिन कंटेनर्स को साफ करना चाहिए। वाटर यूज फॉर ड्रिंकिंग शुड नॉट बी स्टोर्ड फॉर मेनी डेज, वाटर जिसको कि हम यूज करते हैं उसे बहुत दिनों तक स्टोर करके जमा करके नहीं रखना चाहिए। टेक आउट वाटर फ्रॉम डीप कंटेनर्स विद द हेल्प ऑफ ए लैडल, डू नॉट डिप योर हैंड्स, कभी भी हमें कंटेनर से पानी निकालने के लिए हैंडल वाले बर्तन का यूज़ करना चाहिए जिससे कि आपका हाथ जो है पानी में न जाएगा, यानी कि आपको लैडल का उपयोग करना चाहिए पानी निकालने के लिए जिससे कि आपका हाथ पानी में न जाए। शॉर्टेज ऑफ वाटर, मेनी अ टाइम्स पीपल फेस शॉर्टेज ऑफ वाटर ड्यू टू लेस रेनफॉल एंड ड्राइंग अप ऑफ रिवर्स, कम बारिश होने के कारण या फिर नदियों के सूख जाने के कारण बहुत सारे लोगों को पानी की कमी का सामना करना पड़ता है। इन सम प्लेसेस पीपल वॉक मील्स
टू गेट वाटर। कुछ जगहों पर लोगों को पानी के लिए मीलों दूर जाना पड़ता है। इन सिटीज़ वाटर इज़ सप्लाइड फॉर लिमिट टाइम। शहरों में पानी का सप्लाई सीमित समय के लिए होता है। हेंस वी शुड अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर एंड टेक ए स्टेप टू सेव इट। इसीलिए हम लोग को वाटर के इम्पोर्टेंस को समझना चाहिए और इसे सुरक्षित रखने का उपाय ढूंढना चाहिए। सेव वाटर, इट इज प्रेसस। पानी को हमें सुरक्षित करना चाहिए क्योंकि यह बहुत मूल्यवान है। वी शुड फॉलो दीज रूल्स टू सेव वाटर। हमें पानी को सुरक्षित करने के लिए इन रूल्स का उपयोग करना चाहिए। टेक ए बाथ विथ बकेट एंड मग इंस्टेड ऑफ शॉवर। हमें स्नान करते समय शॉवर के जगह पर बकेट और मग का उपयोग करना चाहिए। टेकिंग ए शॉवर वेस्ट्स वाटर। शॉवर से स्नान करने से बहुत से पानी वेस्ट चले जाते हैं, यानी कि पानी बहुत से पानी बर्बाद हो जाता है शॉवर से नहाने से। डू नॉट लेट द टैप रन व्हेन यू ब्रश योर टीथ। जब आप ब्रश कर रहे होते हो उस समय टैप को ऑन करके नहीं छोड़ देना चाहिए। गेट लीकिंग टैप्स ब्रोकन पाइप लाइन्स रिपेयर्स। यदि आपका टैप लीकिंग कर रहा है या फिर पानी पाइप टूटा हुआ है तो उसे रिपेयर करवाना चाहिए। यूज़ बकेट एंड मग टू वॉश कार। कार को साफ करने के लिए मग और बकेट का यूज करना चाहिए। Use water left after washing clothes to mop the floor. जब आपको कपड़ा धोने के बाद पानी बच जाता है तो उससे आपको फ्लोर को मॉप करना चाहिए, यानी कि फर्श को आपको मॉप सफाई कर लेना चाहिए बचे हुए पानी से, यानी कि फ्लोर पर पोछा वगैरह लगा लेना चाहिए। Use the left over water from your water bottle to water plant. यदि आपके water bottle में पानी बच जाता है तो उस पानी का उपयोग आप plant को पटाने के लिए करना चाहिए या कर सकते हैं। बच्चों, आप अपने घरों में पानी का सेव कैसे करते हो, वाटर को सेव कैसे करते हो, आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हो। चलिए अब हम लोग इस लेसन को समराइज करते हैं। लिविंग थिंग्स कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर। लिविंग थिंग्स बिना पानी का सर्वाइव ग्रोथ नहीं कर सकता। वाटर इज़ रिक्वायर्ड फॉर मेनी एक्टिविटीज़। वाटर बहुत से कार्य करने के लिए आवश्यक होती है। रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ। धरती पर वाटर के लिए वर्षा सबसे मेन सोर्स होता है। वी शुड फॉलो द रूल्स टू सेव वाटर। हम लोगों को वाटर को सुरक्षित करने के लिए रूल्स को फॉलो करना चाहिए, यानी सेव वाटर के जो रूल्स हैं उसे फॉलो करना चाहिए।